हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ शुरू करना चाहता हूं। आप नीचे उदाहरण कुछ देख रहे हैं। अवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10³। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.609 × 10⁻¹⁹ कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻²⁴। सभी वैल्यू में, सभी फिगर्स में डेसिमल सिंगल नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगाए। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये सभी फिगर्स में डेसिमल सिंगल नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाता है। ऐसे नोटेशन को साइंस में साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। इसे जनरल n × 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखते हैं, या कैपिटल n ए नंबर विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट। सिंगल नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स 1 से लेके 9। टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट मतलब n की वैल्यू 1.000 से लेके 9.999 तक वेरी कर सकती है। स्मॉल n एक्सपोनेंट ऑफ 10 इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि कहीं जगह 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और किसी जगह 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी भी नंबर्स को जहाँ डेसिमल का प्लेस सिंगल नॉन जीरो डिजिट से पहले है या डेसिमल का प्लेस सिंगल नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं। ए में डेसिमल का जो पॉइंट है वो सिंगल नॉन जीरो डिजिट 4 से 5 डिजिट पहले लिखा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में जितना डिजिट शिफ्ट करना है उतना 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इस केस में ये पॉइंट सिंगल नॉन जीरो डिजिट 4 के बाद पहुंचाने के लिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यदि डेसिमल राइट हैंड साइड प्लेस्ड या शिफ्ट होता है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आता है, और नेगेटिव उतना ही आएगा जितना डिजिट आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो। दूसरे केस में डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना है। ये एरो लेफ्ट हैंड साइड, दिस एरो राइट हैंड साइड शिफ्टिंग को डिक्टेट कर रहा है। यदि डेसिमल इस केस में 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल शिफ्ट होता है, पॉइंट शिफ्ट होता है, तो वो 10 एक्सपोनेंट पॉजिटिव आता है। इस केस में चूंकि सिंगल नॉन जीरो डिजिट 2 है, डेसिमल को 2, 5 के बीच में लगाना है। डेसिमल को 5 और 2 के बीच में लगाने के लिए 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ ये इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 एक्सपोनेंट 2 की फॉर्म में लिखते हैं। मैं इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने जा रहा हूँ। वैल्यू होगी 4.12345, 5 डिजिट राइट हैंड साइड मींस 10 एक्सपोनेंट माइनस 5। इस केस में डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा है, तो मींस 2.5712 × 10⁻²+2 में हम प्लस नहीं लिखाते हैं। या मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें 4 एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल में आपको डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, कुछ एग्जांपल में आपको डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। मैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने जा रहा हूँ। सिंगल नॉन जीरो डिजिट यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। यहाँ डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, कितना डिजिट 1, 2, 3, तो ये मैंने लिख दिया 4.8। क्योंकि राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है 3 डिजिट से, तो -3। इस केस में डेसिमल लगानी है तो मैं यही मान के चलता हूँ। और मेरे को लेफ्ट हैंड साइड डिजिट में शिफ्ट करना है, कितना करना है, 2 तक जाने के लिए मुझको 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा 2.189 × 10³। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट 10 एक्सपोनेंट पॉजिटिव, राइट हैंड साइड शिफ्ट 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव, बी रिमेंबर। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है, इसमें मेरे को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा बाय द डिजिट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सो साइंटिफिक नोटेशन विल बी 4.0320 × 10⁴। एंड द लास्ट एग्जांपल, डेसिमल विल शिफ्ट
in the right hand side by the 1, 2, 3, 4 digit. So this is the scientific notation that 4.04 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, so minus 4, because this is right shifting. मित्रों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।